एक बार कर लो मस्त बंदी, फिर हर फिक्रा से हो जाओ मुक्ति। न दिन गिनने की जरूरत, न कैलेंडर देखने की जरूरत। जब दिल किया, प्यार किया, न अनचाही औलाद का डर, न कोई फिक्र। ये आजादी हर पुरुष को उपलब्ध है। बाबा, वाह, एक घंटा से हमको बाहर बिठा रखा है और खुद यहाँ धुनी रमाए हुए हैं। अरे बाबा, ए बाबा, अरे हमारे चारों ओर आग लगी हुई है और आप यहाँ बंद कमरे में आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। अरे बाबा, हम चिल्लाए जा रहे हैं और आपके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। बाबा, चुनावत स्नान किया है अभी? कहाँ स्नान किए, रुक जाते। अरे बाबा, वो मढ़ोक जो है मढ़ोकवा हम दोनों को धोने का इंतजाम कर रहा है। वहां किया हुआ है चांद चांद चांद। और इतनी चिंतामय मुद्रा में क्यों दिखाई दे रहे हो? थोड़ा शीर्षासन कर लो, तन भी खुश हो जाएगा और मन भी खुश। क्या आइडिया अच्छा है। छोरो, इधर आ बेटा। जी बाबा। अरे भाई साहब को शीर्षासन करना है, जरा मदद करो। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं यार, अरे नहीं, अरे बाबा। तेरे भले के लिए कर रहे हैं बेटा, सब तेरे भले के लिए। अरे अरे बाबा, उल्टा हो जाएगा बाबा। ए बाबा, मढ़ोक जो है ना, हमारे क्लिनिक में छापा मारने वाला है बाबा। अभी तो शीर्षासन शुरू हुआ है बेटा, अभी से ज्ञान की बातें करने लगा। अरे उतार दो छोरो, वरना हलक जुबान को निकल लेगा इसकी। उतारो उतारो। अरे जल्दी करो, अरे जल्दी करो भाई। अरे अरे, हंस रहा तुम लोग, तुमको हम ला देते। चला, अरे बाप, हो गया। अब बोलेगा क्या हुआ? ये मढ़ोक जो है ना, हम लोगों के क्लिनिक पर छापा मारने वाला है। तो मारने दो, वहां ना कोई सबूत मिलेगा ना कोई कागज। अरे माना कि वहां सबूत नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा वो डॉक्टर कुमार तो वहां मिलेगा ना। अगर वो डॉक्टर का मुंह खुला तो हम लोगों के लिए जेल का दरवाजा खुल जाएगा। सिर्फ तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं। बाबा, अबे मना किया था ना कि जिस क्षेत्र की जानकारी ना हो वहां धंधा नहीं करना। वहां धंधा करना फटे में टांग अड़ाने के बराबर होता है, पर तुम नहीं माने। अफसोस अफसोस। आज जब हमारा पर संकट आया है तो आप कन्नी काटने लगे। अरे तो इसमें हम क्या हस्तक्षेप करें बेटा? अरे ये तो विधि का विधान है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। समझ गया बाबा, सब समझ गया। वाह, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। उस दिन कहां गए थे आपके आदर्श और विचार? जब क्लिनिक का माल आता है तो उसमें से आधा माल हसरत के सीधे अपने तिजोरी में डाल देते हैं, कि उस क्लिनिक में आधा हिस्सेदारी आपका भी है और हम दोनों उसमें पार्टनर हैं। पार्टनर बेटा, हम पार्टनर हैं लेकिन जुबानी, कागजों में नहीं, समझे? और चाहता यू 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 मत कर, सीधा खड़ा होकर बात कर। समझा बाबा, अच्छी तरह से समझा। आप पे भरोसा करके हमने बहुत ही घाटे का सौदा किया है। उससे बढ़कर तुमने सौदे में घाटा किया है। अच्छा, अगर ये बात है ना बाबा, तो एक बात आप भी अच्छी तरह से सुन लो और समझ लो कि अगर हम जेल गए ना
तो आपको भी जेल लेके जाएंगे। हम तो डूबेंगे डूबेंगे, लेकिन आपको भी ले डूबेंगे बाबा। वाह क्या बात है, इधर आ बेटा, यहाँ आजा आजा आजा, इधर आ। शाबाश, अबे यही तो देखना चाह रहे थे हम। हट, तेरे जैसे आदमी पे कितना भरोसा करना चाहिए और कितना नहीं। बाबा क्या मतलब? अबे मतलब भी समझाए अब, जो मुंह में आया बक दिया, उस मधोक की औकात है हमारे यहाँ छापा मारने की? बाबा हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे भगवान ने कुछ अकल दी होती तो समझ में आता ना। मधोक को यहाँ छापा मारने से पहले अपने से बड़े ऑफिसर के साइन लेने होंगे और वो उसे मिलेंगे नहीं। क्यों? अरे उससे पहले ही हम उसको फोन कर देंगे, उस बड़े अफसर को जो उससे ऊपर है। अरे बाबा बाबा आप चमत्कारी, दो तरफा चमत्कारी है, क्योंकि तेरे जैसे को भी समझना बहुत जरूरी है कि तेरे ऊपर कितना विश्वास करें और कितना नहीं। हाय बाबा, थाली के बैंगन जैसा बेटा, कभी इधर तो कभी उधर। छोरे अरे मधोक साहब से ऊपर वाले साहब को फोन तो लगा। अरे जल्दी लगा जल्दी। हेलो स्नेहा, तुम मानोगे नहीं मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। कैसे हो अर्जुन, मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? बहुत ही अच्छी। देश के नामचीन वकीलों के बीच में बैठा हुआ था और उनसे मिलकर उनसे बातें कर बहुत बड़ा दिलासा मिला है। स्नेहा हम अकेले नहीं हैं। क्या मतलब? तुम्हें पता है इनमें कितने लोग हैं जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, समाज में लोगों में एक बेहतर बदलाव लाना चाहते हैं। सुनकर दिल को बहुत अच्छा लगा अर्जुन। स्नेहा तुम्हें यकीन नहीं होगा, जब मैंने उन्हें गांव तक कानून की सेवा पहुंचाने का प्लान बताया ना, तो सारे वकील अपना ज्ञान अपना वक्त अपना पैसा सब कुछ मेरी संस्था में लगाने के लिए तैयार हो गए। मैं समझ सकती हूँ अर्जुन, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी साफ नीयत, ईमानदारी को देख कर उन सब में भी जोश भर गया होगा, है ना? और तुम्हारी वो बात साथी हाथ बढ़ाना, इसने लोगों को बहुत प्रभावित किया है। रियली अर्जुन? स्नेहा कितनी प्रेरणा मिलती है इनसे बातें करके, बातों ही बातों में कितनी कहानियां उभर के सामने आई है। तुम्हें पता है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में वकालत कर रहे थे ना, तो उनके पास सैकड़ों क्लाइंट्स आते थे, और अगर उनको कहीं से ये पता चल जाए कि कोई उनसे झूठ बोल रहा है या गलत काम की अर्जी लेकर उनके पास आया हुआ है, तो वो उसका केस लड़ने से साफ इनकार कर देते थे, फिर चाहे उसमें उनका कितना नुकसान ही क्यों ना हो। और गांधी जी के सिद्धांत, उनके आदर्श तुम्हारी जिंदगी को भी दिशा देते आए हैं, है ना? I'm so sorry. मैं तो सिर्फ अपने बारे में बातें करते जा रहा हूँ। तुम बताओ स्नेहा कैसी हो और प्रतापपुर के क्या हाल है? यहाँ सब ठीक ही है, और नया ये है कि डॉक्टर जैन चाहते हैं कि मैं मानवता अस्पताल की सारी जिम्मेदारी संभाल लूं। अरे वाह, तो इससे बढ़िया रीजन तो हो ही नहीं सकता हमारी शादी का। अब तो हमें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तुम माँ को कहो कि जल्दी से कुंडली दिखाएं ज्योतिषी को और एक मुहूर्त निकलवाएं। अर्जुन ये इसका इससे क्या लेना देना? अरे सोचो ना, वकील तो शाम तक घर आ ही जाता है, लेकिन आप डॉक्टर्स का क्या भरोसा? आप लोग तो देर रात तक काम करते हैं फिर घर आते हैं। तो घर आते ही दाल रोटी सब्जी बनाकर मैं खाने पर आपका इंतजार करूंगा, बिल्कुल पत्नी व्रता पति की तरह। ये पत्नी व्रता पति वाली बात मुझे बहुत पसंद आई। कुछ तो खास है तुम्हें अर्जुन,
अच्छा अर्जुन, अब मुझे लगता है कि हमारी बात कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। कैसे, मैं समझ सकती हूँ। जितनी लंबी सगाई उतने लंबे फोन कॉल्स। ओके अर्जुन, बाय। बाय। हाँ शिमा, बोलो ना, क्या बात है? अर्जुन, मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। What? शिमा, ये फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? यही तो बात है अर्जुन, मैंने जरूरत को साथ समझ लिया और अब मुझसे नहीं होगा। शिमा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम गलती कर रही हो, मगर इतना जरूर कहूंगा कि तुम जल्दबाजी। मैंने बहुत देर कर दी अर्जुन, मुझे ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। मैं हूं आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। और पब्लिक की डिमांड पर एक बार फिर हमारे साथ हैं कंडोम बाबा। नमस्कार कंडोम बाबा। जय हो कंडोम, जय सुखी परिवार। कंडोम बाबा आज हमें नसबंदी के बारे में बताएंगे। नसबंदी नहीं मुन्ना, मस्तबंदी। मस्तबंदी कहो। मस्तबंदी? मस्तबंदी एक आजादी है ताकि पुरुष अपने पारिवारिक जीवन को खुशी से जी सके 100% बेफिक्र होकर। इसलिए तो कॉन्डम हमारे मस्ती के पिटारे का अहम हिस्सा है। मगर कुछ लोग मानते हैं बाबा कि मस्तबंदी कराने से पुरुष की कुछ क्षमता कम हो जाती है। बकवास है। आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक मैं इस बेबुनियाद अफवाह का आज तक मुझे कोई सबूत नहीं मिला। तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं बाबा? सोचने का पैसा नहीं लगता। लोग तो महामारी को भी श्राप मानते हैं, पर आज हम जानते हैं औरतों के लिए महामारी नैसर्गिक है, नेचुरल है। एक बात बताओ मुन्ना, क्या तुम अपने आप को नामर्द समझते हो? अरे बाबा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्योंकि तुम्हारी मूछे नहीं है। कुछ लोग तो मानते हैं मर्दांगी मूछों से होती है, तुम्हारी तो मूछे है ही नहीं। पर अस्पताल में मैंने तुम्हारे मेडिकल टेस्ट के कागजात देखे हैं, शारीरिक तौर पर तुम हर गुण संपन्न पुरुष हो। बेशक हूँ, मगर एक सोच ये भी है कि मस्तबंदी कराने से पुरुष की शारीरिक क्षमता कुछ कमजोर हो जाती है और रोजमर्रा की कार्यशीलता में भी कमी आ जाती है। ये पहली अफवाह की औलाद है। नसबंदी करने से कोई कमजोरी पैदा नहीं होती, यह साधारण ऑपरेशन आराम से सुलटाया जाता है। इस ऑपरेशन में ना कोई छुरी ना कोई नोकीली चीज का उपयोग किया जाता है। लेकिन बाबा, कुछ लोगों का मानना है कि ऑपरेशन के बाद उन्हें थकान जल्दी महसूस होने लगती है। ये जिनका ऑपरेशन नहीं होता क्या वो थकते नहीं? मुन्ना, ये तो वो बात हो गई, आ बैल मुझे मार। कैसे? मान लो ज्योतिष कह दे आने वाला अगला हफ्ता आपका बुरा होगा, तो हफ्ते भर घटी हर वो बात जो आपको नापसंद है, आप सोचेंगे ज्योतिष का सत्य वचन। और गलती से कुछ अच्छा हो भी जाए तो आप उसे हादसा मानकर संभल जाओगे। बाबा, हमारा मन ही ऐसा बना है। अच्छा, तो आप तो आगे बताइए। आगे हम ये बताते हैं बुआ जी, हम गांव वालों के सामने मस्तबंदी का
जीता जागता सबूत पेश कर सकते हैं। जीता जागता सबूत कैसे? आप फोन लगाइए। किसे फोन लगाऊंगा? बिरजू पहलवान को। ओहो, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन क्षेत्र केसरी बिरजू पहलवान। बबलू, बिरजू पहलवान को फोन लगाओ। लगाओ भाई, जरा दबा के लगाओ, जोर से और दम लगाओ। नमस्कार बिरजू, जय हो कॉन्डम। नमस्ते कॉन्डम बाबा, डॉक्टर साहब कैसे हैं? नमस्कार बिरजू, तुम ही हो जो हमारे दोनों नामों से मुझे संबोधित करते हो। इस वक्त मैं बुआ जी और मुन्ना के साथ हूँ। रेडियो पर? वाह, क्या बात है। नमस्ते बुआ जी, प्रणाम। प्रणाम बिरजू। नमस्ते मुन्ना। नमस्ते भैया, नमस्ते। हमारा सपना था रेडियो पर आने का, तो आज पूरा हो गया। अरे जमकर गर्जो बिरजू, सारा गांव सुन रहा है तुम्हें। बिरजू भैया, हम नसबंदी पे चर्चा कर रहे हैं यहाँ। अरे मर्द, नसबंदी नहीं, मस्त बंदी कहो, मस्त बंदी जो हमारा जीवन को ही बदल दिया। हाँ, तो आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि आपने ये ऑपरेशन कब करवाया है। अरे दूसरा बच्चा होई के बाद लगभग 6 साल पहले आऊंगा। मतलब क्षेत्र केसरी बनने से पहले? अरे हाँ हाँ, ऑपरेशन के बाद क्षेत्र केसरी का खिताब हम 3 बार जीत चुके हैं। यानी ऑपरेशन के बावजूद तुम्हें कुश्ती लड़ने में कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई? अरे कैसी कमजोरी और काहे की कमजोरी। अरे वो काहे कि हमारी बैटरी एक बार ऑन हो जाती है ना, तो सामने वाले को चित करने के बाद भी चलती रहती है। और हम एक ही दिन में 2-2 मुकाबला भी कर ले तब भी हमारी बैटरी चलती रहती है। का कौंडम बाबा। अच्छा बिरजू, ये मुन्ना तुमसे कुछ एक नाजुक सवाल पूछना चाहता है। अरे पूछो पूछो, हम पहलवान लोग भी नाजुक सवाल का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिरजू भैया, हम पूछना चाह रहे थे कि ऑपरेशन के बाद आपकी मर्दानगी पर कोई फर्क पड़ा? अरे बहुत फर्क पड़ा, मजा जो है दुगना हो गया। हम मियां बीवी में पहले से कहीं ज्यादा प्यार बढ़ गया। कहे कि फिक्र मिटा तो प्यार और बढ़ा। बिरजू, ये बात तुम मुन्ना और गांव वालों को जरा विस्तार में बताओ। देखो मुन्ना, एक बार कर लो मस्तबंदी, फिर हर फिक्र से हो जाओ मुक्ति। न दिन गिनने की जरूरत, न कैलेंडर देखने की जरूरत। जब दिल किया प्यार किया, न अनचाही औलाद का डर, न कोई फिकर। ये आजादी हर पुरुष को उपलब्ध है, बस बरतो अकलमंदी और करा लो मस्त बंदी। ये हुई ना बात, तो सुन लिया गांव वालों, जब अफवाहों से होगी सच्चाई की टक्कर, तो जीत सच्चाई की होगी। जय हो कॉन्डम, जय मस्त बंदी, जय हो। तो बुआ जी और मुन्ना लेंगे सबकी खैर, सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। हेलो, कौन? मधोक, कैसे हो डॉक्टर? अब क्या है? पछतावा है इस बात का कि पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई तो शायद मैं कुछ ज्यादा सख्ती से पेश आ गया। माफी नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन दुख जरूर है। अच्छा, तो अब आपको हमदर्दी का दौरा पड़ा है? ऐसा समझ सकते हो, लेकिन हकीकत यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि शतरंज के खेल में प्यादों से क्या बैल है। क्या मतलब? मतलब ये कि असली करता धरता तो आपके बाबा पहलवान और दिगंबर सिंह हैं, आप तो खामखा पीछे जा रहे हैं, और उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करना। तशरीफ ला सकते हैं आप? देखिए, मेरे वकील ने कहा है कि डॉक्टर साहब, वकीलों का क्या है, वो तो बड़बड़ाते रहेंगे। मैं आपसे आपकी इच्छा पूछ रहा हूँ, आप आना चाहते हैं या नहीं? और अगर मैं नहीं आया तो? कोई बात नहीं, हम अपने हवलदार को भेजेंगे जो आपको आपके घर से खुली जीप में बिठाकर यहाँ लेकर आएगा। लेकिन रास्ते में
आपको बड़े बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे सब देखेंगे गौर से। कल आपका बेटा स्कूल जाएगा, उससे उसके मित्र पूछेंगे, अरे क्या हुआ तुम्हारे पापा को पुलिस उठा के ले गई थी। सोचिए कैसा लगेगा उसको और फिर उसको देखकर आपको। ठीक है आ जाऊंगा मैं, आप में समय बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, कल मुलाकात होती। हमें झुका दे ये किसी कमीने में दम नहीं, कमीनगी पर जो हम उतर आए हम भी किसी से कम नहीं। आज हम कॉन्डम बाबा से मिले रेडियो स्टेशन पर, उनकी बातें सुनने में बहुत मजा आया, साथ साथ बहुत सारी गलत धारणाओं और फायदों के बारे में जानकारी मिली। मस्तबंदी यानी पुरुष नसबंदी को लेकर गलत फहमियों की एक लंबी लिस्ट है। ये डर बैठ गया है कि इससे आदमी कमज़ोर हो जाता है, उसकी मर्दानगी कम हो जाती है वगैरह वगैरह। मैं समझती हूँ बिरजू पहलवान से मिलकर बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। पुरुषों के लिए गर्भ निरोध का दूसरा विकल्प है कॉन्डम। कॉन्डम के इस्तेमाल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है डबल प्रोटेक्शन यानी दुगनी सुरक्षा। इससे अनचाहा गर्भ नहीं होता और ख़ास करके एड्स एवं यौन संबंधी बीमारियों यानी STI के फैलने से ये बचाव करता है। मर्दों को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि मर्द बदलेगा तो देश भी बदलेगा। देखते रहिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।